तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये वाला घर जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है और ये वाला घर हम किसको दे रहे हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। माशाल्लाह जी, ये वाला घर जो है ना आप सबको विजिट करवा दिया। अच्छा, ये वाला घर अगर आपको दे दें तो आपको ये पूरा आ जाएगा ये घर? बच्चों को भी काटे हैं हमने, फार्म को भी। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा हम नीचे नहीं सोते। अच्छा, चार पाई डाल। फिर अभी आप ऊपर सोती हो नीचे? ऊपर सोते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को जना सहरी मुबारक। और हम जो है ना अभी उठ चुके हैं और आज जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी हमने ना सालन बनाया है और ना ही रोटी बनाई है। और अभी जो है ना मैं लेके जा रही हूँ अंडे और एक आधा आलू जो है ना वो काट के जल्दी जल्दी जो है ना इनकी भुनाई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा जो है ना वो गूंद के रखा हुआ था रात से, तो रात हमने ना रोटी नहीं बनाई थी। मैंने कहा अगर भूख होगी तो बना लेंगे, वरना फिर सारी टाइम जो है ना आटा काम आ जाएगा। तो खैर रोटी जो है ना हमने नहीं बनाई थी, वही आटा हमारा रखा हुआ है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, आलू छीलते हैं और अंडे वगैरह जो है ना ये भुनाई करते हैं, क्योंकि सालन हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर सहरी भी तो करनी है, दही के साथ अलहदा सहरी नहीं होगी अगर सालन ना हो। तो हसन जानी जो है ना वो सोया हुआ है, बेबू जानी भी सो गया है, ये तो रात से सोया हुआ उठा तक भी नहीं है, ये सुबह जाके उठेगा। बाकी हसन जानी रात को एक दो दफ़ा उठ जाता है। चलें जल्दी जल्दी जो है ना किचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है पहले ही। तो जी अभी जो है ना हम आ चुके हैं किचन में और हमारे पास जो है ना आलू सिर्फ दो पड़े हुए थे बस, और चार जो है ना मैंने अंडे भी उठाए हैं, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल कम सालन बनेगा। तो अभी सोच रहे हैं कि दो तीन अंडे जो है ना और उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आलू बहुत ज़्यादा कम है तो अंडे उठा लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ये खुश्की बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि अंडे गर्म होते हैं। खैर फिर रोज़ा भी तो रखना है ना, एक रोज़ा भी हमने मिस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जो है ना मैंने आलू जो है ना छीलना शुरू कर दिया है, बाकी एक आलू रहता है जल्दी से बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा रात मैंने पकौड़े बनाए हैं, तो पकौड़ों वाला घी जो है ना मेरा सफाई में खड़ा हुआ है, ये भी निकालना पड़ेगा। वो कहते हैं ना जितनी जल्दी करो टाइम जो है ना थोड़ा है और काम हमारे पास ज़्यादा है। अब दुआ करें कि हमारी सहरी जो है ना वो अच्छे से हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है ना मैंने कट कर लिए हैं और अभी जो है ना इनका टाइम आ चुका है नहाने का, तो इनको जो है ना हमने नहला भी दिया है और अभी जो है ना इनकी शामत आएगी कढ़ाई में जाने के लिए। तो बाकी मसाला जो है ना वो काटना है। चले अभी जो है ना जल्दी जल्दी से मसाला कट करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर शुरू करते हैं भूनना। पहले मैं ना इसको घी निकाल दूँ। क्योंकि ये पकौड़े बनाते हैं ना हम, तो वो फिर उसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी निकी निकी रेवड़ियाँ बदी हैं, तो हम ना वो छानी से जो है ना छान लेंगे इंशाल्लाह। फिर जो ये बच्चा हुआ है ना इसमें हम अंडे जो है ना आलू और अंडे जो है ना बनाई कर लेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है ना। फिर प्याज जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह काट लिया और भुनाई करने के लिए जो है ना खड़े मैंने कर दिए। मैंने कहा जब तक वो ब्राउन होते हैं ना तो तब तक मैं टमाटर काट लूँगी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके टाइम बचाएँ। और मसाले जो है ना वो भी मैं जल्दी से लेके आ चुकी हूँ। अच्छा मज़े की बात ये है, रात जो हमने जो है ना अफ्तारी की थी ना, तो हमारे सारे बर्तन जो है ना वो देखे तप में रखे हुए हैं, धोया हुआ देख भी नहीं, लेल भी आज सारे धोने हैं, सैरी करनी है तो कटोरिया तो साल जाए काम आएंगे ना। तो मैं बस बुनाई कर लूँ, उसके बाद जब जिस जो है ना कोलियाँ धोएंगी फिर दूसरे रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अलहमदिल्ला हमारा दूसरा चूल्हा जो है ना वो भी चल चुका है ना। फिर ये
टेंशन खत्म हो गई है कि रोटी लेट हो जाएगी, इधर से तवा चढ़ा देते हैं उधर से रोटी बन जाएगी, इधर से सालन बन जाएगा। टमाटर जो है ना वो भी ऐड कर दिए, और घी जो है ना आज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि ये तड़का हुआ जो है ना घी था, तो इसको थोड़ी देर के लिए भी चढ़ा देना फिर जब भी गर्म हो जाता है। अभी जो है ना नमक डाल के धनिया पाउडर, अच्छा धनिया पाउडर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम अक्सर सालन में डाल देते हैं और कोई भी सालन नहीं डालते लेकिन धनिया पाउडर ज़रूर डालते हैं, इससे टेस्ट जो है ना सालन का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो सालन भी अच्छा लगता है फिर। जी हल्दी अच्छा मज़े की बात है, हर किसी की ना मिसालों में से हल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है लेकिन हमारी दो दो तीन तीन मंथ भी जाती है, लेकिन क्यों नहीं जल्दी ख़त्म होती। हाँ एक बात है जिसकी वजह से हमारी हल्दी ख़त्म नहीं होती, मैं जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करती हूँ, कोई भी दो दो तीन तीन चम्मच भर के डाल देते हैं लेकिन वो हमें कड़ी भी लगती है, ज़्यादा नहीं वो करते। रात से जो है ना न्यू मिर्ची लेके आए हैं, अब पता नहीं है ज़्यादा कड़ी भी है या जैसी भी है, मैंने अभी जैसे डालते थे ना सालन में उतनी डाल दी है, अब देखा जाएगा या तो फिर खाने का नहीं होगा या फिर सही होगा। अभी जो है ना सब धनिया मैंने काटा है तो उसके धनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा थे, वो धनिया जो है ना मैंने डाल दिया और जो पत्ते थे वो मैंने कहा एंड में डाल दूंगी ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए, और अभी जो है ना उसके बाद हम आलू भी ऐड कर देते हैं साथ। आलू भी जो है ना हमने ऐड कर दिया, और जल्दी से मैं इधर से अंडे तोड़ती हूँ तो फिर जो है ना वो भी हमने ऐड करे, तब तक जो है ना कुछ आलू भुनाई हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। अभी जो है ना अंडे तोड़ने का टाइम आ चुका है और हमने जो है ना अंडे तोड़ना जो है ना शुरू कर दिए हैं। हमने कहा ये बिकते तो है नहीं वैसे, और मुर्गियां जो है वैसे भी दे रही हैं तो क्यों ना हम इनको खाते रहें साथ साथ, और वैसे सारे तो नहीं खाए जाते क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, 9 मुर्गियां दे रही हैं अंडे, तो डेली के 9 ही ना लगाएं, 8 अंडे डेली के लगाएं तो काफ़ी हो जाते हैं। और उधर से जो है ना अकरम भाई जो है ना वो भी आ चुके हैं माशाल्लाह से। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि ये एक दिन दूसरे दिन डेली आप अंडे खाते हैं, ये रोज़ा तंग नहीं करते, इतना गर्म होते हैं? नहीं भाई कुछ भी, वो भी देसी अंडे। हाँ देसी अंडे, जो वे फार्मी अंडा जो होता है ना वो भी कुछ ना कुछ गर्म कम होता है लेकिन ये तो काफी गर्म होते हैं। हाँ, देसी अंडा है लेकिन कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाहर जाए ना फिर ज्यादा रोजा तंग जाता है लेकिन सारा दिन जो है ना अंदर होते हैं, नमाज अदा की फिर अंदर बैठ गया तो वो तंग नहीं होता है। हाँ जो काम वगैरह ज्यादा करें बाहर धूप पे या इधर उधर कर भी होता है। और हाँ वो ये है कि हमारे पास जो है ना कोई सब्जी भी नहीं पड़ी हुई थी ना, तो हमने कहा 2-3 अंडे और 2 आलू पड़े हुए थे पकौड़ों वाले, तो वो हमने काट के जो है ना हमने कमाई कर लेते हैं, तो चलो थोड़ा सा जो है ना सालन हो जाएगा। ज्यादा दही के साथ आप खाते हैं ना? दही नहीं, दही जो है ना हम रोटी खा के इन में एक कटोरी ऐसे खाली पी लेते हैं बस। खाली दही मैं नहीं पीता। हम लस्सी पीता है दाल। लस्सी नहीं पीते हम, दही जो है ना एक कटोरी जब खाना खा लेते हैं ना उसके बाद फिर खाते हैं, वरना नहीं। वो किधर गया? नहीं उठा? नहीं वो सोया हुआ है अभी। वो टाइम पे उठेगा? पूरे टाइम पे? वैसे तो उठ जाता था लेकिन आज क्यों सोया हुआ? आज तो नहीं, क्यों सोया? असल में रात वो नहीं सोए थे, बैठे
बैठे रहे हैं डबल टेक पे। नहीं डबल टेक पे तो मैं भी बैठा हूँ, मैं तो अभी तकलीफ पर, मैं तो पहले करके नमाज अदा करके सोता हूँ। वो जागता है तो जागता है, जब एक बार सो जाए ना फिर जो है ना वो नहीं उठता, फिर उसको हमने जगाया भी नहीं, हमने कहा एक बंद छोड़ दे और टाइम रहता होगा ना फिर हम उसको जगाएं, जब रोटी खा के नमाज अदा करेगा उसके बाद। तो जी रात जो है ना मैंने आटा गूंथ के रखा और ऊपर से किसी ने प्लेट रखी, जितने कर प्लेट आई है ना तो ऊपर वो खलड़ी जो है ना वो सूखा हुआ नहीं आटा, और जहां तक प्लेट नहीं थी तो वो देखें कैसे सूखा हुआ है थोड़ा थोड़ा ऊपर से ना, तो इसको जो है ना हम उतार देंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर से। सिलेंडर हमारा जल रहा है, मैंने जो है ना बंद नहीं किया, मैंने कहा हम वैसे भी रोटी बनानी है फिर जलाऊंगी क्या, तो वह जल्दी से उठा ओके जो है ना ऊपर रख देते हैं। अच्छा मजे की बात यह है तसल्ली वाला काम जो है ना वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन जो इमरजेंसी वाला है ना कुछ समझ भी नहीं आती बंदे को कि क्या करना है क्या नहीं करना कैसे करना है, कुछ भी समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जो है ना हमने बनाना स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह से काफी रोटियां जो है ना मैंने बना ली हैं, और हसन जानी जो है ना वो बहुत ज्यादा रो रहा है कि मुझे जो है ना अम्मी उठाए, दादी उसकी होती थी ना तो वो गोदी में उसको लेके बैठी रहती थी फिर मैं सुकून से खाना बना लेती थी, लेकिन आपको पता है कि दादी अम्मा घर पे है नहीं, वो दरफौतकी पे जाए हुए दो दादी अम्मा और दादा को, तो इसी वजह से वो रोए जा रहा है कि अम्मी जो है ना गोद में लेके बैठे, लेकिन मेरी तो मजबूरी है मैं नहीं लेके बैठ सकती, मैंने खाना वगैरह तैयार करना है और वैसे भी आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो मुंशी भैया जो है ना हसन जाने को जो है ना चुप करवा रहे हैं लेकिन वो चुप हो तो नहीं रहा देखें, और इधर अफसर हमारे वजीर जो है ना तशरीफ ला चुके हैं। हाँ जी जनाब सर दो कटोरी दे पूरे माह रमजान में जब भी मैं सो जाऊं उस दिन सारी लेट हो जाती है, जब भी सो जाऊं रोटी दे तो अब ना सो जा करो ना सारी रात जागते बैठे, आपको कोई पता नहीं, मतलब आपको कोई वो नहीं यार, हम बच्चों को संभालते हैं हमें नहीं टाइम का पता चलता, आप हमारे ऊपर गुस्सा होते बैठे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी जल्दी बिस्तरे वाले जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा है, आपां कने इंदी सेटिंग काय कर सटी, इंदी तो सेटिंग तय खुद करनी है, वो करवा देता है। अच्छा तने के वजना है काय ना जुम्मे ते वजना मैं जी हां जल्दी एवरीवन मिलते डबल ओ सारे रलते लाइक करो वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक खैरियत, आप आए हुए थे जहाँ हमें पता ही नहीं, हम आपस में लगे हुए थे, तो आपस में लगे हम सलाम किया है आपको। अच्छा करके बैठ गया, हमने कहा वो अपना हमने तो सलाम का जवाब दिया था ना ऐसा के आपका काम कार के अंदर ना पीछे सब बात है, और सुनाए तबीयत से ठीक है आपकी माशाल्लाह नहीं बाइक पे अब क्या आना है, पेट्रोल महंगा हो रहा है 350 रुपये लीटर हो जाएगा ना जब,
फिर हम भी बाइक ले आएंगे। गाड़ी खत्म, गाड़ी वैसे भी हम अब नहीं है फायदा यार गाड़ियां रखने का। अच्छा। पेट्रोल अगर हो जाता है ना 350-400, आप देखना शोरूम पे ना जगह नहीं होगी गाड़ियां खड़ी करने की, सब बेच रहे होंगे, सस्ती भी हो जाएगी, सस्ती होगी हम लेंगे। फिर जब आप उसमें पेट्रोल डलवाओगे इतने आप खत्म हो जाओगे पेट्रोल डलवाओगे। हाँ जी आप अभी अभी जाओ, मैं आगे वाघ पकड़ता हूँ, आप दोनों गड्ढा पे बैठो और मैं पीछे से उसको तल्हाड़ लगाऊंगा, देखना कितनी स्पीड मारती है। 5-6 मिनट के अंदर खान पर पहुंचाएगी आपको, रास्ते में लेड भी लाएगी। माशाल्लाह कितनी प्यारा है मेरा बबलू सोनू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जहाँ पे वो कहते हैं इंसान सोता है तो उसकी सेटिंग भी करनी चाहिए, कुछ इस तरह से हमने सेटिंग की है। ऊपर पहले सबा ने बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई अब। हाँ ये रखी अब ऐसे ही ये रखी है उधर, फिर वो सार में लगती थी ना वो क्योंकि ये जब हम इसको थोड़ा सा बच्चे वगैरह तंग करते थे ना ये वाला ना हिलता होता है, ये देखे तो फिर वो ऊपर जो सामान रखा हुआ था ना वो सबा के सार में नाक में मुंह में जाके लगता था, तो इस वजह से ना उस मल्लन क्या होती है, अच्छा अच्छा खल्ले खाने होते हैं, सही हो गया। बस सेटिंग कर की थी माशाल्लाह, सुमो भी सुकून मारो ज्यादा तो कोई काम है। हां काम तो कोई के नहीं, सुमो का सेवा। जुम्मा पढ़ो तो है ना टाइम, जुम्मा हम टाइम पे पढ़ते हैं भाई, बगैर टाइम के नहीं। 12 बजे कौन जुम्मा पढ़ता है, 1:30 बजे जुम्मा पढ़ेंगे ना। हां तो 1.5 घंटा तैयारी करेंगे भाई, खुदा का नाम है तू खुदा एवरीवन डबल टेप करवे नहीं। चले जी अभी बहुत सारे काम है जो इससे मैं करवाऊंगा, तो आप सबने साथ रहना है। तो जी अभी जो है ना हम सब उठ रहे हैं और साथ में सबा के अम्मी अबू भी उठ रहे हैं और साथ में मेरे मौलवी साहब भी उठ रहे हैं, सास में मेरी सास भी उठ रही है, सब उठ रही है जी, क्योंकि हम सब ना जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं जी। अभी आप सबको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस आप सब ने जुड़े रहना है। जुलू सारे आज कितना भी पता नहीं, चले जी आ जाए आ जाए। मैं कह सबो जब निकलेगी वो पंखा बंद करेगी, हर बंदे का एक एक काम होता है। ये बोला कुंडी कौन मारेगा, अबू तेरा पता नहीं क्या कर रहा है, मोबाइल लगा रहा है जी। फिर चलते हैं साहब, आज आपको इंशाल्लाह ताला सब कुछ जो है ना एक एक चीज हम अच्छे तरीके से समझाएंगे भी और अच्छे तरीके से विजिट भी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। ला दे कुंडी चलो जी आ जाओ। चले जी अभी जो है फ्रिज बंद है ना, अच्छा रात साथ दिए देखे हमने ना, पहले इधर रखने की कोई जगह नहीं थी, फिर हम उधर से ले आए फ्रीजर यहाँ पे रखा, उसके बाद फिर यहाँ पे गत्ता रखा, फिर उसके ऊपर ये कूलर पंखा रखा। इतनी सर्दी लग गई थी कमरे में, इतनी सर्दी, फिर सपा का हो गया दिमाग खराब, इसने पता है क्या किया, कहती कूलर पंखा बंद करो मच्छर काट रहे हैं, इतनी सर्दी में भी मच्छर कैसे, फिर मैंने बंद कर दिया। हवा नहीं आ रही थी बेड पे जो है ना, वो इतने का ऊपर हवा नहीं आ रही थी, सारे बाघों पे मच्छरों ने इतना तो ऊपर वो पंखा दूसरा भी दो पंखे मैंने कहा ऐसे तो सुनेगा नहीं, इतनी कूलर की है ना सर्दी लग रही थी, तो बड़का हुआ कमरा होता। अच्छा जुलो तो ये वाला आइडिया आपने किया है, लेकिन यार जो भी चीज करता हूँ ये नहीं करने देती, अब अलहदा कमरा ना मैं आपको उस कमरे में लगा के मान्य सोम चलो चले धूप है, रोएगा वो मुंशी, आप भी आ जाओ ना साथ, आप भी आ जाओ साथ। हाँ ये देखे जी रक्षा चला रहे इधर, देखो कैसे हो हैं, क्या कर रहे हो, रक्षा चला रहे हो, कहाँ पहुँच गए हो शहर। चले जी
अभी जो है ना चलते हैं। और ये वाला सामने जो है ना माशाल्लाह से मड हाउस हमारा यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, इसको भी इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाए फिर मड हाउस को जो है ना पेंट वगैरह भी करवाएंगे, कलर वगैरह भी करवाएंगे, तो उसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत करके खड़ा कर दो जान छुपे। नहीं नहीं इसमें रिवाज भी करेंगे, कुछ भी नहीं लगाना, बस ये काम मुकम्मल करवाओ, कुछ भी नहीं करना, सुकून से जिंदगी गुजारो, हमें भी गुजारने दो। अच्छा। अब मिस्त्रियों को छुट्टी दो। क्या शोर है, हसन आया हुआ है, उसको ये डरा रहे हैं। वो इधर आएगा, वो देखो वो उसके पैर भी जल रहे हैं, वो आ रहा है। चले जी अभी जो है ना हम माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हम अपने जो न्यू घर बांधने उनके करीब पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो है ना वो पहुंच चुके हैं। ये देखें जी ये फ्रंट माशाल्लाह, ये गेस्ट रूम है, मतलब बैठक है। तो ये आपको कैसी लग रही है जी? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है ना। सभा कहती है अपनी जगह बनवा रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी नहीं बनवाई, जो रेंट पे देनी है उसको देखो कितना प्यारा बनवा रहा है। मैंने कहा वो फर्स्ट टाइम काम करवाया था ना, उसका तजर्बा नहीं था, और सारी चीज़ें फिर दे के फिर मिस्त्री भी एडवाइस करता है ना, मिस्त्री भी च्वाइस करता है यार ये ऐसे कर ले ऐसे कर ले, वो भी कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन उस टाइम हम दोनों का ही सत्यानाश था। तो अभी जो है ना ये देखे यहाँ पे जो है ना सभा वॉशरूम बना रहे थे, ये ऐसे लंबा यहाँ तक, मैंने कहा यार क्यों हमारा सहन ख़त्म कर रहे हो, आप वॉशरूम ऐसे बनाओ ठीक है, ऐसे फिर मैं ऐसे बनवा के आके जो है ना वो नल का लगवा दूंगा। सही है, ये वाला सहन खुला डुला हो जाएगा, इसका भी मेन गेट वहाँ पे, मेन गेट उधर एंड में लगेगा, कोने में उसका लगेगा, उसके साथ फिर इसका लगेगा, दो गेट होंगे। ये वाला जो दरवाजा है ना ये तो बैठक में जाएगा ना बंदे, घर वाले भी बैठक में जा सकते हैं। ये किचन देखो आप, इसमें ना अभी रोड़ा डला हुआ है, अंदर प्लास्टर तो हुआ है लेकिन फर्श नहीं ढला अभी, इतनी मजे की खुशबू है। ओए बेटा यहाँ पे शोर नहीं करना ठीक है, चुप करके ना फिरते रहो बस, इसको तो ताला लगा हुआ, उसमें सामान पड़ा होगा शायद, इसको देखते हैं, इसमें भी रोड़ा डला हुआ है, क्या लो तो रोड़ा लग रहा है। और ये ना खुला ढुला कमरा है, सबसे खुला ढुला, और सफेद इधर बन रही है, उसके बाद में ये देखे विंडो अलमारी, अलमारी ये है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और उधर भी विंडो भी लगी हुई है ताकि हवा सुहाने इधर उधर जाती है, जबरदस्त। सबसे बड़ा कमरा ये है, यानी कि ये जो टीआर कर रहे ना, जब हमारे पहले वाला मकान था ना, जब हम एक पुराने घर में रहते थे और हमारा एक कमरा था, उसके टीयर गटर यहाँ पे लगे, वो देखे पंखे वाली और दूरी भी लगी हुई है, मुझे सेम वही नजर, वही कमरा है बिल्कुल वही। चले जी अभी बाहर चलते हैं, उसके बाद ना ये वाला कमरे को अभी ताला लगा हुआ है, तो अभी चलते हैं उधर, आ जाओ फोन चाबी है मेरे पास, बस वो वही सेम सेम है ना, अभी प्लास्टर नहीं हुआ, प्लास्टर चाहिए ना, और देखो वाह सन लग पोसे ने, चले जी अभी चलते हैं, आ जाओ जी। अभी जो है ना दूसरे पोर्शन में जाने की, आधा सफर कर लिया और आधा जाना, एक क्या इसमें सुराख क्यों है, ये इधर तो वो बनेगी ना, क्या खड़ी बनेगी इधर, वो जैसे वो बनी हुई है ना, ये घर का यार फर्श चेक करो आप, सहन सहन चेक करो ये, क्या बात है, टोटल जो है ना सहन डाल चुका है, और फर्श देखे कितनी सभा कहती है बहुत ज्यादा प्यारा है। मैं ना वहां से आके चुप करो, सुनिया कह रहा है तो साथ बाहर बाहर निकलो, फर्श पाता करना बाहर निकलो ना, बात कर चुप करते ना, खाड़ती भी अलीदा कह नहीं, बच्चे भी जलहेल करते हैं यार, इतनी शोर करते हैं, हमारी बात नहीं समझ आती, बच्चे का शोर ज्यादा होता है। और इधर जो है ना ये वाला बाहर जो है ना सहन आपने देख लिया है, ये जो होदी बनाई गई है ना, ये किचन से जो पानी आएगा ना
वो इस होदी में आएगा, फिर उससे आगे जाएगा, फिर उधर होदी होगी, फिर आगे होदी होगी इस तरह। और किचन में जो है वो टूटियाँ वगैरह वायरिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद वो देखो इधर वाश टैंकी वगैरह और टूटियों वगैरह का ये सिस्टम हो गया है। और ये देखो ये जो पैप वो वाला लगा हुआ है ना, वो अपना पुराने घर वाला है। मतलब काफी ऐसी चीजें, ये देखो वाल पुराने घर वाला है। मतलब हमारे पास जो भी सामान पड़ा था पुराना ओल्ड मोल्ड, हम सारा वही लगवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नलका लगेगा यहाँ पे, नलका भी और मोटर भी। अच्छा। यहाँ पे बिजली का बोर्ड लगेगा बटन चलाने के लिए। और अभी बिजली इसमें जो है ना, आप सिर्फ रह गया वॉशरूम का सहन, ठीक है, इसका सहन फर्श पलस्तर होना है। और किचन की जो है ना वो जो स्लेप पे होती है, बस बाकी काम हो जाए। यार माशाल्लाह उससे भी ज्यादा प्यारा है ये। और ये वाला कमरा देखो, इसके अंदर जो है फर्श देखो, इसके ठंडा ठंडा है, ये गीला है ना। अभी ट्राई किया है आपने? नहीं अभी ट्राई करेगा, ट्राई लेट करेंगे क्योंकि ट्राई खोल ले, अभी पानी निकल रहा है ना इससे। और ये देखिए इसकी सफेद बनी हुई है वीआईपी। उसके बाद ये अलमारी भी जो है ना वो बनी हुई है वीआईपी, माशाल्लाह जबरदस्त जो है ना। मैंने कहा कि एक एक अलमारी रख रहे हैं, मैंने कहा उस्ताद को कि चंगा अच्छा अलमारियां रखें और बढ़िया रखें, तो एक एक है ना फिर अलमारी बड़ी वाली है, माशाल्लाह जबरदस्त है। और उसके बाद जी अभी चलते हैं बाहर, इस वाले को देख लीजिए, इसमें भी फर्श डला है या नहीं। इसका फर्श भी डला हुआ है, ये कुछ नहीं, ये पांव रखे ना, पानी सेम आता है ऊपर, काफी पानी लगा हुआ है इसको, पानी और ना वो छांव है ना सेम आता है, कितने का तो पानी की सेम आता है, इतनी ज्यादा ड्राई है ना ऊपर देखो सारा भी, ये सीना सीना गीला गीला है सारा। इसको आप जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, सिर्फ दो से चार दिन में सब घर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जैसे गीला गीला है इसको व्हाइट सीमेंट करवा देंगे, फिर इनका नाम भी हो जाएगा व्हाइट हाउस दोनों, माशाल्लाह इतने प्यारे लगेंगे ना ये घर। जो भी रेंट पे लेगा ना वो बड़ा खुश नसीब होगा, न्यू घर लेगा यार, पहली बार इस्तेमाल करेगा, बहुत प्यारा है। तो वो जागे वाला ना, मैं जब इस घर को देखता ना मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये यार ये अपनी जगह प्यारा है, वो घर अपनी जगह प्यारा है, उसका शहर भी सही है, उसका शहर भी अच्छा भला है। अच्छा, वो इतनी शहर, वो जो वॉशरूम आप ऐसे करवा दिए ना, आप उसका शहर भी खुला है। आप लोगों ने एक मिस्टेक की, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो उसी तरह का जो है ना वो रख दे, ताकि दरमियान में पौधा वगैरह लग जाता तो छांव जो है ना वो अच्छी। हाँ नहीं वो पौधे वगैरह हम नहीं लगाते, ना ही पौधे होते हैं। ओए चुप, ओए गैंगस्टर चुप। अरे नारू नहीं करो, नहीं करो मेरे से ज्यादा को कुछ अच्छा भला खेल रहा है। हां ना करो यार, उसको हाथ नहीं लगा, वो चिढ़ जाता है। उधर नहीं करो, कुकू है कुकू, अभी हाथ को चेक करेगा। ये जो है ना नलके का खड्डा बनेगा ऐसे, ठीक है, इसमें वॉशिंग मशीन भी खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना बेसन लगेगा, ना, ना, ना। हाथ में धोने वाला बेसन लगेगा सबो। अच्छा, यहाँ पे चलो। और दूसरा यहाँ पे टूटी है पानी वाली, वहाँ पे भी टूटी है, और यहाँ पे नलका होगा जबरदस्त। अच्छा माय जो है ना, मामी से पूछो, पहली बार आई है ना जब से पहुंच गई है, तो कैसा लगा सारा? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो जब वाइट सीमेंट लगेगी ना फिर तो मजीद प्यारा लगेगा। आते जाते देखते रहे, यहाँ पे जमीन और जंगल पड़ा हुआ था, जंगल था इधर, देखे थे एक दिन ना कहते हैं झाड़ियां हटा रहा था, एक दिन मैं इसको कह रहा था यार झाड़ियां आप क्यों नहीं जल्दी हटा रहा, पता भी नहीं चला घर बन गए। वाह यार कमाल है। मेला पार्क ना ऐसे कुछ चंद घंटे कुछ मिनट लगा। चलें जी अभी चलते हैं बाहर, आ जाओ बच्चों आ जाओ। माशाल्लाह जी ये वाला घर जो है ना आप सबको विजिट करवा दिया। अच्छा ये वाला घर अगर आपको दे दें तो आपको ये पूरा आ जाएगा ये घर? हाँ। आप रह लोगे आराम से? अच्छा वाकई, हम तो सोच रहे थे कि ये वाला घर आपको छोटा हो, हम तो इसलिए हमने कहा
उधर कैसा लग रहा है आपको, उस घर में मजा आ रहा है या नहीं? घर में यार मजा नहीं आ रहा, सारी ऐसे 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 कैमरा करें, ये जो सिले है ना सारी ऐसे हैं। अच्छा, रात को कोई कबीलियां आ जाते हैं सालन में, कबीलियां और रुखसाना दी खुद थी देवे कबीलियां रोज आती है खुद थी कबीला चुबड़ा रोज कर चिमड़िया है को पहली रात जो ऐसे ना तो आके नीचे सो सो मैं जाना वो क्या बोलते हैं अच्छा चटाई बिछाई तो सोए हैं सब बच्चे भी हम भी कबीलियां ऊपर बच्चों को भी काटे हैं हम लोग हमको भी अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा नीचे नहीं सोते। अच्छा, फिर अभी आप ऊपर सोती हो नीचे? ऊपर सोते हैं। अच्छा सही है। चाचू नीचे सोता है अभी उनको पता हमें पता नहीं है कहाँ सोता है वो। आप तो चारपाई पे सोते होंगे ना? हाँ, ओ माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है? ठीक हो माशाल्लाह जी, मेहमान आ गए हमारे, देखो हैं कलील आ गए हमारे। अकेले आए हो क्या? जी जी। क्यों? वाईफाई को नहीं लेके आए? वाईफाई टेप टेप कर रही थी या उसका मोबाइल ले आए? अच्छा, आपके पास आया उसको सुना दो, सही है ना, कोई थोड़ा सा सुकून ले लो, मैं जो है ना आ जाता हूं जल्दी से। चले अमन को थोड़ा सुकून दे के आया है। ये हम सोच रहे थे ये वाला घर बना है ना, माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप सारा, तो बस अभी इसका बरामदा भी बना देते, बस अभी फिलहाल रोक दिया है ना काम, कि ये बरामदा जो ना बाद में, अभी मैं पूछ रहा था इनसे कि अगर उधर मज़ा नहीं आ रहा तो आप फिर इधर शिफ्ट हो जाओ, तो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये भी ठीक है, इसमें हमारा गुजारा चल जाएगा। मैंने कहा अगर चल जाएगा तो फिर किसी और को भी देना, वही आप रख लो बस, क्या टेंशन है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इसमें हमने खुद रहना है, हमने तो देना है लोगों को, लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं सहूलियात देनी है कि मजे करो, क्योंकि इधर घर मिलते नहीं है लोगों को रेंट पे, बड़े परेशान होते हैं। हसन ठीक हो? अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो आपके मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह या कोई चीजें आप गली में भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन गेट उधर एंड में होगा, ठीक है, इस गली में आप सामान वगैरह भी रख सकते हो काफी चीजें, लेकिन कहते हैं गली को साफ रखना चाहिए, रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, बाइक वगैरह तो उधर ही खड़ी, रात दिन उधर खड़ी रहेंगी, आपको इधर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि दिन को तो ये देखे सारी धूप ही धूप है, छांव नहीं है दिन को, अभी जो गर्मियां आ रही है ना, दिन को छांव नहीं है बैठने के लिए। हाँ, अगर बरामदा बन जाए फिर तो मजा है, फिर कमरे भी ठंडे हो जाएंगे और बैठने की जगह भी होगी, बंदा पंखा लगा के बैठ जाता है। बरामदा मैं बनवाऊंगा लेकिन 3 या 4 महीने के बाद इंशाल्लाह, इसका मैं बना दूंगा बरामदा, गर्मियों को बाद बनेगा। हाँ फिलहाल अभी आपको पता है मंडी खत्म हो गई है, जितना भी था ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लगा दिए हैं। आप खुद डलवा लो ना, जैसे मैंने आपको उधर ऑफर करवाई इधर भी वैसे ऑफर करवा देता हूँ, पता है कैसी ऑफर है? बात सुनो, पता है क्या है, ये जगह आपको दे देते हैं, आपने जो चीज डलवानी है आप डलवा लो, ठीक है, पैसे इसके खाते में लिख, पैसे मेरे खाते में लिख दो, जब आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। हमारे पास पैसे हैं कि आपने देखे हैं हम काम कराएं, हमारी फुर्सत तो आपको पता है नहीं तो हम फिर इसमें जो है ना ये बस है बरामदे की कमी, वरना आप ये न्यू जगह जो है ना आपके हवाले है, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप बैठे या बरामदा डलवाए ना डलवाए, आप शिफ्ट हो जाए। आजकल पता है क्या, वो दूसरा मौसम हो गया है, रात को ठंड होती है, सुबह को गर्मी होती है, और सांप वगैरह निकलने का बहुत ज्यादा खतरा है। हमारा पक्का घर है, कर हमने अपने घर से सांप मारा है, तो वो तो कच्चा है, प्लास्टर भी नहीं है, इसलिए तो डर लगता है छोटे बच्चे सांप में। इधर हमने सारी चीजें बंद कर दी है, कहीं से सांप नहीं आता नहीं सांप आ जाएगा, वो देखो चोर गला, वो तो उधर से तो वो बंद हो जाएगा, वो तो पानी की ना पैंप लगाने के लिए हमने खोला हुआ था। हाँ एक बार फिर देखने जा रहे हैं जी कि इधर मजा आएगा या नहीं, सही गलती ना हो जाए, कोई छोटे ना लगे हम जब आ जाए, फिर भी देखो, फिर मुझे ना कहना चाहिए ये आपने दिया। यार पता है क्या है, बात है फुर्सत की ना, तो यकीन करें, यकीन करें, ये जो घर बनाना है बड़ी सेटिंग से बना हुआ है, यकीन करें, अगर अगर हमारे पास अभी पैसे होते
तो मैं एक कमरा आपको इधर और डलवा देता, ये कमरा इधर से ना ऐसे एक कमरा और डाल जाता, या इस साइड पे भी, बात सुने, एक साइड पे ना इधर भी कमरा एक डाल जाता और बरामदा भी डाल जाता, मतलब तीन कमरे, एक किचन और एक बरामदा, फिर तो आप बिल्कुल माशाल्लाह वीआईपी रह सकते हैं। फिर न्यू बिजली की वायरिंग भी अभी करवानी है इसकी, माशाल्लाह सारी मोटर टैंकियां हर चीज न्यू हो के वायरिंग करवाओ, हम यहाँ पे आ रहे हैं। वो बड़ी स्लेपे लगवा रहे हैं ना अंदर, बोल लगवा लेना वो क्या होते हैं। और मजे की बात है इधर पानी भी चालू होगा, बर्तन वगैरह धो सकते हैं। हाँ पानी की वायरिंग हो गई है इधर, पानी की वायरिंग भी किचन में हो गई है, वो जैसे हमारा नहीं किचन में बर्तन धोने वाला लगा हुआ, वो इधर लगा हुआ है। हाँ किचन में धो लेना है। हाँ अभी इसकी ना स्लेपे बनवानी है, स्लेपे इसकी बनवानी है अभी। इधर ना जाओ, ये जो रक्षा लड़वा के आए थे ना वो, ये देखो यहाँ से जो है ना स्लेप शुरू होगी उधर तक और उधर से इधर तक, बड़ी स्लेप होगी। अभी ये मट्टी कैसी है, ये मट्टी इधर है अभी फर्श वो है ना, अभी इसकी स्लेपे बनेंगी, काम होगा अभी। हाँ फर्श डला हुआ है, हाँ जी आमीन। बस मैं यही कह रहा था, मैंने कहा अगर अभी फुर्सत होती ना तो एक कमरा बन जाता उधर, ठीक है, एक कमरा उधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है, और ये जो है ना ये हो जाए एक बरामदा, फिर तो आपका खुला ढुल्ला माहौल है और जिंदगी इतनी सुकून की गुजरेगी, आप हमेशा याद रखोगे। अभी भी इंशाल्लाह याद करते हैं, अभी भी काम आपको नहीं याद किया, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखे इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, आप जो है ना मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी।